चलो ठीक है, राजनीति की पिच पर छक्के चौके ठोकने वाले पूर्व मंत्री यूनुस खान फिलहाल सरदारपुरा में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में चौके छक्के लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी मौसम है, अति व्यस्त टाइम में से आप निकाल कर टाइम आपने यहाँ दिया है, क्या कहना चाहेंगे पहले तो इस टूर्नामेंट को लेकर, आने वाले जो चुनाव में जो माहौल एक तरह का बना उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं वसुंधरा जी के सरकार में 2003 से 8 में स्पोर्ट्स का मिनिस्टर रहा, खेल मंत्री रहा। मैं जब स्कूल और कॉलेज में था उस समय तो क्रिकेट हुआ नहीं करता था, तो उसके बाद अब मंत्री बनने के बाद उद्घाटन कर करके बेल बॉल और बैट चलाना सीख गए, बॉल फेंकना और बैट चलाना सीख गए। पिछले 25 साल में भी कई चौके छक्के लगाना भी आपने सीख लिया। देखो, ये इस क्षेत्र में विकास के चौके छक्के खूब लगाए और ये नौजवानों को देख करके जोश आ जाता है। मैं खेल एक इस तरीके का है कि वो जो स्पिरिट पैदा करता है वो भाईचारे की, दोस्ती की और टीम स्पिरिट से लोग जुड़ते हैं। हर जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र का आदमी उससे जुड़ता है। आप इंडिया की टीम देखो, उसमें बताओ कौन कौन से प्रदेशों के लोग हैं, किस किस जाति और धर्म के लोग हैं। तो ये खेल जो है वो समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो टिकटों को लेकर है, मंथन चल रहा है, अंतिम दौर में हो सकता है कि कल ही सूची आ जाए, हो सकता है कि दो दिन बाद, क्योंकि डीडवाना का जो नाम है वो ऐसे अटका हुआ है कि लोग जिज्ञासा पाले हुए हैं। हर आदमी ये सोच रहा है कि डीडवाना का नाम टिकट में कब आएगा, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी में आपका नाम कब आएगा? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ लो तो लड़ लेंगे, पार्टी कहेगी काम करो तो काम कर लेंगे। अब समय बहुत कम बचा है, लोगों की जो इच्छा है वो इस बार ये है कि यूनुस खान चुनाव लड़े, पार्टी टिकट दे तो भी लड़े, नहीं दे तो भी लड़े। तो अगर पार्टी टिकट नहीं देती है उस सूरत में क्या करेंगे? देखो, मैंने कहा था पहले भी कि ऊपर तो है परमात्मा, नीचे है पब्लिक और पार्टी, तीनों पी पर है, परमात्मा, पब्लिक और पार्टी, ट्रिपल पी जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर है। पिछले एक महीने से माहौल उतार चढ़ाव वाला है कि यूनुस खान को टिकट मिलने वाली है, बस नाम आ जाएगा। कई बार फिर चलता है कि नहीं श्याम प्रताप जी को टिकट मिलेगी, कई बार आता है कि ओमदास जी महाराज को टिकट मिलेगी, लेकिन अभी तक जो पशोपेश की स्थिति है वो पार्टी में बनी हुई है और कार्यकर्ताओं बनी हुई है कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। देखिए, पार्टी, मोदी जी ने कहा कि कमल का फूल है तो कमल के फूल पर वोट डालो, जिसको पार्टी देगी वो चुनाव लड़ लेगा। नहीं, नाम अलग अलग आ रहे हैं, एक दर्जन उम्मीदवार है एक तरफ, पूरे एक दर्जन अलग, यूनुस खान का नाम एक तरफ। देखो, डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और टिकट मांगने का भी अधिकार सबको है, और चुनाव में उत्सुकता जब भी पैदा होती है, जब अलग अलग लोग टिकट मांगे, तो फिर पार्टी निर्णय करेगी किसको देगी, तो ये निर्णय तो मेरे हाथ में नहीं है ना। डीडवाना की जनता तो यूनुस खान का, चेतन डूडी का चुनाव देखने के लिए बहुत बेताब है। मुझे लगता है चेतन जी का तो हो गया चुनाव। तो ये थे यूनुस खान पूर्व मंत्री, जो पूरी तरह से मूड में है और रात के 12 बजे सरदारपुरा के क्रिकेट ग्राउंड में चौके छक्के लगा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 15-20 दिन बाद इनको राजनीति के पिच पर भी छक्के चौके लगाते हुए देख सकते हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देकर मैदान में भेजती है या फिर ये निर्दलीय ही ताल ठोकते हैं। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।